बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम किसान भरावो। आज मैं थोड़ा गंदम की बिजाई तो बाद गंदम की उगाई तो गंदम की उगाई तो बाद जड़ी बूटी का बड़ा मसला होता है तो वो असं जी गलतियां करते हैं अब उसके बारे में थोड़ा दसना। असी अमूमन जड़ी बूटी वास्ते बड़ा स्प्रे करते हैं, कई तरह स्प्रे करते हैं जिस वजह तो साड़ी स्प्रे की वजह तो गंदम की पैदावार जी गंदम की औसत एवरेज है उस भी कमी होती। उसमें एक बड़ी वीडी गलती करते हैं, छोटी जी वीडियो है वो कि गलती है, असं क्यों गलती करते हैं, उस गलती असी उस गलती तो किमें बच सकते हैं, ये वीडियो है उस इस हवाले के नाल। अच्छा, साड़ी अमूमन जो गंदम हो जाती उग वी है जर्मीनेशन की हो वी है उस तो बाद पहला पानी लेने अमूमन भी 21 दिन तो बाद उस तो बाद फिर वत्तर के टाइम से कुछ लोग हैं जोड़े जो वत्तर इस आता है 30-35 दिन स्प्रे करते हैं तो कुछ लोग इंजे होंगे जोड़ा 45-50 दिन भी स्प्रे करते हैं। सब तो वड्डिया गलतियां असं कि करते हैं, असं स्प्रे करते हैं, स्प्रे की वजह तो स्ट्रैस बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रैस हो जाता साड़ी फसल के उत्ते जिस की वजह तो साड़ी फसल पिलाट का शिकार हो जाती, उत्ते दबाव आ जाता फसल में उत्तरी जो उत्तों दबाव आ जाता जो तय उत्ते बन जाती फसल दे स्प्रे की साड़ी फसल जी उत्ता नहीं उड़ती लेकिन शगुफे जरूर कटती साइडा तो शगुफे उस टाइम भी निकल दें जो उत्तों रुकावट आती तो साइडा तो शगुफे कटने शुरू कर देती लेकिन क्या वो साढ़े शगुफे परमानेंट है क्या साढ़े वो शगुफे जड़े हैं असली शगुफे हैं जिन्हें तुम सिट्टा लै सकते हैं क्या उन्होंने उस शगुफे तुम पैदावार इजाफा कर सकते हैं नहीं भाई बिल्कुल सब तो वड्डी गलती है साड़ी सानू 30-35 दिन के जरा स्प्रे असी करते हैं उद्दे भी स्ट्रैस जरूर आता है लेकिन वो साढ़े ही पैदावारी शगुफे निकलते हैं जेडे उस वे शगुफे निकलते हैं जल्दी हमेशा याद रखो जल्दी निकलने वाले शगुफे ही परमानेंट होंगे जोड़े लेट ना निकलते हैं परमानेंट नहीं होंगे वो आरजी होंगे तो सानू चाहिए परमानेंट सिट्टे परमानेंट इसकी जी शगुफे तो सानू उसके परमानेंट सिट्टे लगन गए और फिर साड़ी पैदावार इजाफा होएगा। इस वास्ते याद रखो कोई भी स्प्रे मैं किसी स्प्रे का ना नहीं लेना चाहता तुम खुद स्प्रे अपने इलाके के मुख्तलिफ लोग मुतमिन होंगे स्प्रेवों से तो जोड़ा भी स्प्रे करना अमूमन 30-35 दिन की फसल से स्प्रे करना है और हमेशा याद रखना स्प्रे दवा भी ज्यादा नहीं लानी कि स्प्रे स्प्रे फिर मारी जाओ तुम मशवरा जरूर कर लो अपने जो थोड़े उतो अद्वियात वाले नंदे ला लो उस हिसाब न करो लेकिन याद रखना कि 30-35 दिन जो स्प्रे करोगे वो शगुफे लेट निकलेंगे वो थोड़े परमानेंट हो लेकिन लेट में क्योंकि जो 45-48 दिन तो दाना दाना जोड़ा है गंदम के भी बनना शुरू हो जाता तो असं उत्तर स्प्रे मारता जिद सू तकरीबन जी 5-6 मन एवरेज साड़ी गंदम की घट वी है तो बेहतर ही होंगे कि जल्दी ही इस स्प्रे कर लिया जाए 30-35 दिन के अमल कर लिया जाए तो साड़ी इंशाला जी उस शगुफे भी चंगे बनने क्योंकि जो स्ट्रैस होगी आने तो स्ट्रैस जरूर है चाहे 30-35 दिन की करो तो चाहे 45 लेकिन बेहतर जी है वह स्ट्रैस बेहतर है कि उस वे जो शगुफे निकलेंगे होंगे परमानेंट साडा स्प्रे होएगा जी बूटी खत्म हो जाएगी साड़ी जी फसल है वो हैल्थी हो जाएगी उन्होंने खुराक सही खुद ही खुराक लेगी क्योंकि जी बूटी जो खत्म हो जाए बाद जो पानी वाला जो खुराक दें उन्होंने खुराक फसल में उसकी ग्रोथ में जी बेहतरी करती। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई, अपने अमीर मुआविया दोस्त को इजाजत दियो और विद रहो साडा यूट्यूब चैनल देसी लाइफ देसी हवाना फेसबुक पेज और मास्टर प्रिंस चैनल और एग्रीकल्चर जितने भी साढ़े चैनल देख रहे हो साड़ी वीडियो देख रहे हो तमाम चैनल के थले कमेंट्स लाजमी करना होंगे इजाजत मिल जाएगी वीडियो अल्लाह हाफिज़।